जहाँ पे हमारे लाख में काम हो सकता है, 7 लाख खर्चा करेंगे क्या मतलब है बताइए सर। नगर परिषद हमीरपुर की मासिक बैठक अध्यक्ष मनोज मिन्हास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शहर के विकास कार्यों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। पिछले साल शुरू हुए 30 के लगभग विकास कार्यों के पूरा ना होने पर पार्षदों ने चिंता जाहिर की। जहाँ पे हमारे लाख में काम हो सकता है, 7 लाख खर्चा करेंगे क्या मतलब है बताइए सर। इसी तरह जो टॉयलेट जो टॉयलेट की डिमांड है लेकिन टॉयलेट वो मोबाइल टॉयलेट और ये मोबाइल कहाँ से होती है? उसको अगर चलाते तो शहर में इतनी गंदगी फैल जाती कि है उसकी बदौलत हम ये टॉयलेट लेकर आए। और ये टॉयलेट ऐसे नहीं है, ट्रक यूनियन की डिमांड थी, ठीक है जी, ट्रक यूनियन की डिमांड थी। वो रिता मैडम आपका जो ब्रदर है उनसे पता कर लेना चाहिए, ठीक है। ट्रक यूनियन में लगाया नाम तो ना, इन्होंने डिमांड की थी बाद में लगना चाहिए टॉयलेट, लेकिन इन्होंने बाद वहाँ पे नहीं लगने दिया, उल्टी साइड का टॉयलेट लगाया BSNL तक। लोगों ने फुटपाथ पे जो अपना सामान रखा हुआ है, और कई मैंने देखा जैसे बस स्टैंड पे कईयों ने अपने काउंटर वगैरह रखे हैं फुटपाथ पे, तो उनको हम सबसे पहले उनको हम वार्निंग देंगे कि उसको हटा लें अपने आप, अगर नहीं हटाते तो हम उस सामान को जब्त कर लेंगे। सेकंड हमारा मुद्दा रहा अपने जो हमीर हॉस्पिटल से लेकर वेटनरी हॉस्पिटल तक अंधेरा छाया रहता है, और हमारा काफ़ी टाइम से ये नगर परिषद एरिया है लेकिन यहाँ पूरे रास्ते में अंधेरा छाया रहता है। यहाँ जो हमने अपना जो फैसला लिया है हमारी कमेटी ने नगर परिषद पूरी ने कि यहाँ से लेकर वेटनरी हॉस्पिटल से लेकर हमीर होटल तक खंभे लगाकर वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। थर्ड हमारा ये रहा मुद्दा कि शहर में जो हमारी अनथराइज्ड रेड़ी हैं, हम चाहते हैं कि उनको उठाकर हम नीचे एक जगह उनको स्टैंड कर दें, उनको जैसे हमारा नीचे कॉम्प्लेक्स है, नगर परिषद का कॉम्प्लेक्स है BSNL दफ्तर के सामने, उस ग्राउंड में हम 50-60 जो रेड़ी हैं उनको हम बाहर शिफ्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे कई मतलब ऐसे मुद्दे जो हमारे नगर परिषद में हुए, लाइट के बारे में, टेंडरिंग के बारे में, टेंडर जो हमारे ठेकेदार अगर 3 महीने के अंदर वो काम नहीं करते हैं तो हम उनका टेंडर रद्द कर देंगे, और उसके उपरांत हम उनकी जो सिक्योरिटी उसको जब्त कर लेंगे, क्योंकि काम टेंडर अगर हमारे काम ही वार्डों में नहीं होंगे तो हम किस बात का मतलब ये है। लास्ट में हमें ये भी हमारी जो नगर परिषद में हमारी जो कमेटी बैठी हुई थी उसमें हमने SDO साहब को बोला, जो साहब को बोला और जो अपने जी साहब उनको भी, जो जिन ठेकेदारों के पैसे फंसे हैं उन ठेकेदारों को पेमेंट जल्दी से जल्दी की जाए ताकि वो अपना काम कर सके। देखो पीछे हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने हाउस में पास हुआ था कि किस किस वार्ड में हमने डिमांड रखी हुई थी किस किस वार्ड में टॉयलेट की ज़रूरत है, लेकिन उसमें हमारे पास 6 वार्डों की टॉयलेट के लिए डिमांड आई और हमने हाउस में पास किया है, जिसमें वार्ड नंबर 8 का जो पार्षद शायद वो भूल गया या सो गया होगा उस मीटिंग में, उसने मतलब उस मीटिंग बोल रहा है कि हाउस में कोई भी ऐसा मुद्दा पास नहीं हुआ है, उसका मेरे पास रेजोल्यूशन की कॉपी है, अभी मैंने आपको बताई भी है उस कॉपी का कि वो मतलब सब टॉयलेट पास हुए, लेकिन जो हमारा जो फॉरेस्ट में जो टॉयलेट रखा है वो हमने खुद उठाया उस टॉयलेट को, ऐसी कुछ कोई ये नहीं है, वो भी तब हुआ 1 साल के बाद उस टॉयलेट के ऊपर, अब बंदों का नाम तो मैं जानता हूँ, मैं उसको पॉलिश नहीं करना चाहता हूँ, इन लोगों ने कंप्लेंट करके उस टॉयलेट को उठाया है, ठीक है जी। बाकी जितने भी टॉयलेट है वो हमारे स्टारू रूप से चले हुए, हमने उन टॉयलेटों को सीवरेज लाइन से ज्वाइंट किया हुआ है। लंबे समय से ट्राला यूनियन में कोई टॉयलेट नहीं था, अपने ट्रक यूनियन में कोई टॉयलेट नहीं था, जो बाहर की गाड़ियाँ आती हैं वो यहाँ खड़ी होती हैं, और वो इस टॉयलेट की हमें ट्रक यूनियन और ट्राला यूनियन की मैक्सिमम डिमांड आ रही थी, जिस कारण हमने ये टॉयलेट लगाए थे। और मैं आपको सीधी बात बताना चाहता हूँ, अगर ये हमारे वहाँ पे ये जो टॉयलेट थे हम अपने शहर को शौच मुक्त करना चाहते थे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इसकी कंप्लेंट करके वहाँ से टॉयलेट हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। अगर यही जो बाहर की जो हमारी गाड़ियाँ आती हैं, ट्रक आ रहे हैं, कुछ भी जो बसें भी खड़ी होती है हमारी ट्रक उधर जो न्यू वेस्ट स्टैंड बन रहा है वहाँ बसें खड़ी होती हैं, उनके लिए भी ये इस चीज़ की फैसिलिटी थी, लेकिन अब वो दोबारा से खुले में जाना शुरू कर देंगे।